दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल आलोक सर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है वीर्य नाश सर्वनाश, यानी वीर्य के नाश करने से लगभग सब कुछ का सर्वनाश, आपके बॉडी के अंदर जो कुछ है सब कुछ का सर्वनाश हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीर्य के नाश से सब कुछ सर्वनाश है कैसे, क्या वीर्य नाश करने से पिता बन सकते हैं या नहीं बन सकते, इससे हमारी मेंटल प्रॉब्लम ठीक हो सकती है या और अधिक जटिल हो सकता है, यानी मेमोरी क्षमता जो है, याद करने की क्षमता ये कम हो जाती है वीर्य नाश करने से कैसे। इसके अलावा शरीर में दुर्बलता यानी कमजोरी, चेहरे पे चमक कम हो जाता है तथा हाथ पर सूखे डंडे की तरह हो जाते हैं, भोजन का सही रूप से नहीं पचना, इसके अलावा शरीर में स्किन संबंधित समस्याएं, चेहरे में झुर्रियां पड़ जाना, चमड़ा स्किन यानी चमड़े शरीर की सिकुड़ने लगना, चलने में भी परेशानी होती है, बार बार टॉयलेट आता है और टॉयलेट यानी मल त्याग करने में सबसे ज्यादा परेशानी, मल त्याग करने के साथ साथ वीर्य का बाहर निकलना, इसके अलावा खून के निर्माण में कमी। तो ऐसे सभी प्रकार के टॉपिक्स इस वीडियो में डिटेल रूप से हम लोग जानेंगे। हमारी कोशिश यही है कि यह वीडियो छोटा से छोटा हो, लेकिन थोड़ी सी लंबा हो जाता है तो इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीर्य से जुड़े हुए सभी प्रकार की गुत्थियों को सुन जाइए, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो है ये वीर्य पर बना चुके हैं, लेकिन यह टॉपिक जो है लास्ट फाइनल है, जिसमें हम आपके मन के अंदर जितने सारे डाउट है, जितने सारे संदेह है, सबको क्लियर कर देंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों हम वीर्य नाश को सर्वनाश इसलिए कह रहे हैं, आप एक निश्चित उम्र पर आपको ये अनुभव होगा और मैं बताने की भी कोशिश करता हूं कि जब शरीर से वीर्य बाहर आता है तो शरीर में ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं है, एकदम शांति सी मिलती है, लगभग ऐसा लगता है कि एनर्जी खत्म हो गया शरीर का और तुरंत नींद आने लगती है, ऐसी बात है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वीर्य नाश कैसे होता है। दोस्तों जो हस्त मैथुन होता है, हैंड प्रैक्टिस की बात करें तो हैंड प्रैक्टिस करने के सबसे पहले हमारे मन में कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं, कुछ ऐसे पहलू नजर आते हैं, कोई ऐसा याद आता है जिससे हमारे मन में जो है एक गजब सी हलचल होती है, एक बेचैनी सी होती है, एक उलझन आती है और ऐसा लगता है कि अगर हम इसको एक बार कर देते हैं, अपने हाथों का प्रयोग एक बार कर देते हैं तो हमें बहुत शांति मिलेगा, ठीक है। और ऐसी मन में सोच होता है, जब हमारी सोच को ये कुछ देर तक, 2-4-5 मिनट तक चलता है और हम इस बातों को सोचते रहते हैं और एक निश्चित समय पर सोचने के बाद हाथ जो है उस क्रिया को करना आरंभ कर देता है। जब हम पूरी तरह से जोर लगा करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना काम निपटा करके, काम को समाप्त करके जब राहत की सांस लेते हैं तब क्या मन में सोच आता है, यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें ये काम नहीं करने चाहिए था। और यही सोचते सोचते ये काम करने के बाद तुरंत सोच किसी और तरफ मुड़ जाता है, उस प्रति सोच नहीं होता है जो सोच आपको पहले था। हैंड प्रैक्टिस के बाद वो सारी सोच समाप्त हो जाती है, उसके बाद जो है आपके मन में बढ़िया से विचार आने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये हमारे शरीर में जो वीर्य है ना, इसका निर्माण एक छोटे से उदाहरण पे समझिए कि 1 लीटर ब्लड में आपका मात्र 1 बूंद जो है वीर्य का निर्माण होता है। तो सोचिए कि आपने कितने दिनों तक अच्छे अच्छे पौष्टिक भोजन करके, पौष्टिक फल का सेवन करके इसको निर्माण किया और इसको ऐसे ही कहीं बिस्तर पे, फर्श पे, नाली में प्रवाह करके आप एक प्रकार से अपने शरीर को बहुत ही भारी मात्रा में क्षति पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो है आपको इसकी मूल्य नहीं मालूम है कि वह 1 बूंद इस पूरी सृष्टि का उजगार कर सकता है।
पूरे सृष्टि का, एक नए सृष्टि का निर्माण कर सकता है वह एक पुण्य। देखिए कुछ ऋषियों महर्षियों का कहना है, कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टरों का कहना है, कुछ एलोपैथिक और यूनानी डॉक्टरों का कहना है कि इसको ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। हम उनकी बातों को गलत नहीं काटते, सही बात है कि हम ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन कितने दिन तक तो समझिए। अगर आप 90 दिन तक, जी हाँ 90 दिन तक स्टोर कर रहे हैं, तो एक समझिए कि आपके शरीर में गजब सी स्फूर्ति मिलेगी, एक गजब सा हलचल होगा, और 90 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपको बाहर निकाल देनी चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर आप अनमैरिड हैं तो क्या कीजिए, समस्या बन सकती है। तो देखिए उस केस में जो स्वप्न में जो दोष होता है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको रोक नहीं सकते। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आफ्टर शादी यानी मैरिज के बाद ये समस्याएं लगभग 99% क्लोज समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे पास बहुत सारे कॉल मैसेजेज आते हैं, तो हम उनको यही बताते हैं कि आप तनिक से ना घबराइए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है और यह बहुत अच्छी तरीका से सब छूट जाएगा। क्योंकि देखिए ये सब कब होता है, जब आप पूरे दिन कोई हैवी वर्क नहीं करते हैं, आपको थकान नहीं होता, आपको नींद नहीं आता है, और आप बिछावन पे जाते हैं और वैसी वैसी बातें सोचते हैं, तो ये आपको मन में ख्याल आता है और ये हो जाता है। ठीक है, तो इस सभी चीज पे कंट्रोल कीजिए। इसके अलावा जो आप तामसी भोजन लेते हैं, जैसे नॉन वेज आइटम सेवन करते हैं, इनको बंद कर दीजिए। गर्म वस्तुएं, गर्म दूध लेना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक ऐसे ही हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रकार की सोचने वाली बात नहीं। अगर आपको कोई बढ़ा चढ़ा के बता रहा है तो समझिए कि दाल में काला है, यानी कुछ गलत बता रहा है, आपसे कुछ ठगने के लिए बता रहा है, क्योंकि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये सबके साथ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ प्रॉब्लम है, बहुतों के साथ प्रॉब्लम है, एक ज्यादा डरने वाली बात नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको कोशिश करना चाहिए कि नाश न हो। ठीक है, नाश न हो, एक सही समय पर एक निश्चित जगह पर इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह हर उम्र के हिसाब से अलग अलग मात्रा होती है। ऐसा नहीं है कि जो 18 साल का है या कोई 22 साल का है या कोई 25 साल का है या कोई 30 साल का है, सबका बराबर मात्रा होगा। मात्रा समझ रहे हैं, उसकी क्वांटिटी वो मात्रा बराबर होगा, नहीं ऐसा बात नहीं है। किसी में ज्यादा होता है, ये उम्र के हिसाब से, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ी सी डीप होगा और थोड़ी सी क्वांटिटी कम होगा, तो इससे चिंतित ना हो, क्योंकि लीटर की आवश्यकता नहीं है। संतान की उत्पत्ति के लिए हमें लीटर की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक बूंद का आधा भी काफी है। कब, जब उसमें कीड़े जो होंगे, कीड़े समझ रहे हैं स्पर्म, वो कीड़े जो है अच्छे तरह से जीवित हो, फुर्तीले हो, और उनके जो टेल होंगे यानी पूंछ जो होंगे वो एकदम बरकरार हो, काफी तेजी से चलते हो, तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। इसीलिए हम सबको बताते हैं, जो इस प्रकार की परेशानी बताते हैं तो हम यही प्रश्न करते हैं कि क्या आपने कोई टेस्ट कराया है, अगर टेस्ट कराया है तो उस रिपोर्ट को सेंड कीजिए। ठीक है, तो इससे जुड़ी समस्या, जब बीवी आवश्यकता से अधिक बाहर निकाल देते हैं, सपोज डेट मान लीजिए पूरे दिन में 2 बार, मैक्सिमम 3 बार, 3 बार से कोई अधिक नहीं कर सकता है। कोई बोले कि हम 10 बार कर लेते हैं, ये गलत बात है, यानी वो फेंक रहा है, गलत बात है, 10 बार संभव नहीं है। मैक्सिमम 2 बार, 3 बार या खूब अधिक अगर अपने आप को हष्ट पुष्ट और पहलवान समझता है तो 4 बार। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। तो अगर प्रतिदिन 2 बार, 3 बार, 4 बार करता है तो उससे जो है उसके शरीर में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होगी। अब यह परेशानियां कौन कौन से उत्पन्न होगी तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला चीज, वो मानसिक कमजोर हो जाएगा। दूसरा चीज, उसकी जो है याददाश्त की क्षमता जो है, याद रखने की क्षमता वो कम हो जाएगी। तीसरा चीज, उसके पाचन तंत्र में कमजोर हो जाएगी, यानी भोजन उसका सही से पाचन नहीं होगा। चौथा चीज, वो शरीर से काफी दुबले पतले। पांचवा, स्किन संबंधित बीमारियां जो है ज्यादातर उसको प्रभावित करेगी। उसके बाद छठा नंबर, उसको अट्रैक्शन पावर, जो एक अट्रैक्शन होनी चाहिए एक यंग को देख करके, यानी यंग व्यक्ति यानी जवान व्यक्ति किसी और को देख करके जो अट्रैक्शन होता है, वह अट्रैक्शन की भावना जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा।
उसको कोई ऐसा फीलिंग्स नहीं होगा, महसूस ही नहीं होगा, अगर उसके पास भी भेज दिया जाए तो भी कुछ ऐसा फीलिंग्स नहीं होगा। ये सारा जो होता है वीर्यनाश के कारण होता है, क्योंकि देखिए मन में हलचल उथल पुथल मचाने के लिए हमारे अंदर उसकी मात्रा बढ़िया होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी जाकर हम एक शक्तिशाली पुरुष कहलाएंगे। क्योंकि पुरुष के पास यही तो है, आपने पुराने राजाओं महाराजाओं की कथा सुने होंगे, इसके अलावा ईश्वर में भी बहुत सारे इस टॉपिक पे चर्चा किए गए हैं, ठीक है। तो इसका क्या महत्व है, ठीक है, इसका क्या महत्व है आप भली भांति जानते हैं। तो जब हम इतना चीज जानते हैं तो हम उसको क्यों बर्बाद करेंगे, क्यों नष्ट करेंगे, इससे क्या फायदा है नष्ट करने से। थोड़ी देर के लिए मन में फीलिंग्स होगा, ऐसा बाकी कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा मन में फीलिंग्स होगा कि हाँ हम यह आनंद पल का मजा ले रहे हैं, हम बहुत सुखद पल का मजा ले रहे हैं, लेकिन वह मजा कुछ दिन बाद भयंकर सजा के रूप में सामने आता है, तब डॉक्टर्स के पास या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास दौड़ते हैं। उसको भी रिकवर किया जा सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेड पीरियड तक। मान लीजिए अगर 40 ईयर से ज्यादा आपका उम्र हो रहा है और उसके बाद चाहते हैं रिकवर करने के लिए, तो भाई साहब अंग्रेजी में जब कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं ना कि मैं 10 साल का हूं, तो उसको जो है अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, आई एम 10 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे ओल्ड क्यों लगाया गया, यानी बूढ़ा, समझ रहे ना। तो जब से जन्म लिए तब से आपकी जितना दिन जीना है आयु प्रतिदिन कम होती जा रही है, इसलिए अपने आप को यंग नहीं समझिए, अपने आप को बूढ़ा समझिए, और जो बर्बाद कर रहे हैं उसको बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि आप दिन प्रतिदिन आपकी आयु कम हो रही है, नहीं कि बढ़ रही है, इसलिए उसको बचा के रखिएगा। इससे जो आपका संतान में उत्पत्ति होगा, यानी जो संतान होगा वो एक सुदृढ़ होगा, एक बढ़िया होगा और एक बलशाली होगा। मान लीजिए सपोज भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बच्चा हुआ, कोई लड़का हुआ, और किसी अंग से अपंग हो गया, किसी आंख से हो गया, या उसका मस्तिष्क सही से काम नहीं कर रहा है, या चल रहा है उसके मुंह से लार गिर रहा है, हमेशा गर्दन झुला के चल रहा है, उसका हाथे काम नहीं कर रहा है, आधा बॉडी पैरलाइज हो गया है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स है, हाथ और पैर में प्रॉब्लम्स है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, ऐसी प्रकार की समस्या हो, तो क्या उसको पिता को क्या महसूस होगा, उसको बात ये पता नहीं है कि ये क्यों हुआ, जबकि ये उनकी गलतियों के कारण हुआ, क्योंकि अत्यधिक वीर्यनाश की और जो परसेंटेज उनके अंदर बचा था वो काफी कमजोर थे, यानी जो बढ़िया परसेंटेज वाला था उसको तो पहले आप निकाल दिए, और जो खराब था वो जो अवेलेबल था जो आप अपने पार्टनर के साथ उसको दिए, तो उससे जो पैदा हुआ वो आपके सामने है, इसीलिए कहते हैं इसको सेव कीजिए अगर जीवन में खुशहाल रखना चाहते हैं। देखिए सेव करने का मतलब है ना कि आप सेव कीजिए लगभग कुछ दिनों तक, और जब अत्यधिक मन में ऐसी क्रिया उत्पन्न हो तो आप लगभग 1 मंथ 2 मंथ के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आप कर सकते हैं। अब कर सकते हैं इसका मतलब नहीं कि डेली डेली आप अपने हाथ का प्रयोग कर करके सर्वनाश कर सकते हैं, ये गलत चीज है। एक प्रश्न आया कि क्या सर नसबंदी के बाद, यानी अगर कोई पुरुष नसबंदी करा लेता है तो क्या उसका वीर्य जो है बाहर निकलेगा? यस 100% निकलेगा, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं निकलेगा तो गलत है। अगर पुरुष की नसबंदी हो जा रही है तो भी उसका वीर्य निकलेगा, उसमें तो फिर तो प्रेग्नेंट हो सकता है, पार्टनर नहीं हो सकता है, वो पार्टनर प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है वीर्य निकलने के बाद भी। अब कैसे, सोचने वाली बात है, कैसे, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहला जो टेस्टिकल्स होते हैं उसके बाहरी आवरण पे होते हैं एपिडर्मिस, जिसमें जो है आपका स्पर्म्स रहते हैं, वीर्य रहते हैं। उसके अंदर वाले भाग में जो होते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीड़े बोले तो आपको आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शुक्राणु। और जो प्रेगनेंसी होती है यानी बच्चों की जन्म जो होता है वो वही शुक्राणु के कारण होता है, जब शुक्राणु चल के महिला पार्टनर के फैलोपियन ट्यूब में जाकर मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आए तो भाई इंस्टाग्राम पे आकर मैसेज कर लीजिएगा, ऑडियो कॉल बात कर लीजिएगा, लेकिन समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आपको अगर समझ में नहीं आया तो मेरा सब कुछ बेकार है, सब इतना मेहनत बेकार है।
वह शुक्राणु वहां पे मिलता है, उस समय क्या करते हैं, जो वेन्स होते हैं नस उसको काट देते हैं, और शुक्राणु निकलने वाले जो नस होते हैं उसको काट करके वहां पे बांध दिया जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि जो शुक्राणु होते हैं बाहर निकल नहीं पाते। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पे आपके मन में जरूर बन रहा होगा, ये बन रहा होगा कि मान लीजिए कि शुक्राणु जब नस काट कर बांध दिए जाते हैं तो शुक्राणु तो निर्माण हो रहा होगा यानी बन रहा होगा, तो धीरे धीरे उसकी मात्रा काफी ज्यादा हो जाएगा, तो टेस्टिकल को फट जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। नहीं डियर, ऐसा बात नहीं है। देखिए क्या होता है, हमारे सेल्स में लाइसोसोम होता है, ठीक है, लाइसोसोम होता है, और बहुत सारे ऐसे, अब सेल्स के लिए एक अलग से वीडियो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है जो देख सकते हैं, आलोक सर स्टडी चैनल पे लगभग हम सभी प्रकार के वीडियो बनाए हैं स्टडी से, हेल्थ से रिलेटेड। तो देखिए वो सेल्स क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जिनकी मात्रा जब शुक्राणु की मात्रा अधिक होती है तो वह एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हद से ज्यादा बनने नहीं देता है, बात समझ रहे ना, हद से ज्यादा बनने नहीं देता है। इसलिए ऐसी भ्रांति अपने दिमाग में नहीं लाए कि नसबंदी के बाद अगर वीर्य बाहर आ रहा है तो इससे प्रेगनेंसी हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग समझे कि वीर्य नाश जो है हमारे जीवन में कितनी भरी नुकसान है, इससे हमें अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इसका नाश करें, क्योंकि देखिए यह हमारे शरीर में एक गजब सी स्फूर्ति, गजब सी ऊर्जा देता है, और इसकी अगर कोई व्यक्ति इसको बर्बाद किया है तो इसको भरपाई के लिए हमने खुद ही लगभग एक या दो वीडियो इस यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, आप उस वीडियो के देखिए। अगर इससे संबंधित आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो जरूर मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे। और एक और प्रश्न, एक व्यक्ति का क्वेश्चन था कि सर मेरे वीर्य के साथ ब्लड आ रहे हैं, ये क्या है? तो दोस्तों बता दो, यह एक डिजीज है, यह एक बीमारी है, यह बीमारी कई कारणों से हो सकती है। अगर आपको इस टॉपिक पे यानी वीर्य में रक्त का निकलना, वीर्य के साथ रक्त निकलना, इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए कि हाँ ये वीडियो चाहिए, ताकि हम देखें कि आप लोग जो है हमारे वीडियो का कितना इंतजार करते हैं और हमें कितना प्यार और आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि लगभग हमने आज तक के सभी वीडियो को आपके लिए महत्वपूर्ण समझ के बनाया। और दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ी हमारी काफ़ी मेहनत रहती है, और आप लोगों से यही उम्मीद रहता है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं, जय हिंद।